गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। पहले गुड मॉर्निंग कर दो, स्माइल देखो ऐसी, मतलब आधी हंसी आधी नहीं, ऐसे कैसे कौन देता है भाई। हाय कर दो। अच्छा हाय गाइस कर दो। हाय गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो हम जा रहे हैं बस स्टेशन, और सुबह सुबह थोड़ा ठंड लग रही है, सुबह थोड़ा ठंड लग रही है, काफी ठंड हो रही है। बस अच्छी बात यह कि फॉग। तो पापा और लोकेश हमें छोड़ने आए हैं। वानी आप क्या देख रहे हो? 10 बस देख ली आपने? यार बस स्टेशन, और अब हम यहाँ से जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, है ना? हाय गाइस, तो हम पहुँच गए हैं स्टेशन। देखो बानू दिख रही है, और यहाँ वैसे फॉग ऑफ हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो ऐसे ठंड है, बट ठीक है। अभी तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं, 1.5 घंटा है अभी हमारी ट्रेन में, क्योंकि बीच में कम गैप था, तो फिर हम यहीं आ गए, ताकि भाग दौड़ ना करनी पड़े, बच्चे के साथ वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए अभी ये देरी है, अब हम भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा खाएंगे और फिर देखते हैं। तो गाइस फाइनली वेट ओवर, और हमारी ट्रेन आ गई है। इस बार हमने कराया है रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास में, जस्ट टू चेक कि कैसा होता है, क्योंकि हमने कभी भी इससे पहले ट्रैवल नहीं किया है एसी फर्स्ट क्लास में। सो गाइस ये है कॉरिडोर फर्स्ट क्लास का, और यहाँ पे सारे कोचेस बने हुए हैं, एंड ये है हमारा कोच, ये है F1 and 2, सो लोअर एंड अपर, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप देखोगे स्टेयर्स बनी हुई है, अलग से दी हुई है यहाँ ऊपर जाने के लिए। बेडिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट, मिरर इज देयर, टेबल है, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हैं, और वानिया इज एंजॉयिंग अ लॉट। वन मोर ट्रेन, वन मोर ट्रेन, व्हिच वन? ब्लू बेज, और वन इज ब्लू। आपको डोर मिल जाएगा फुल प्राइवेसी के साथ, कर्टेन्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, एंड फुल ट्रेन में कर्टेन्स हैं। और ये देखो वानी कैसे एंजॉय कर रही है। तो अब देखोगे फर्स्ट क्लास में स्पेस काफी ज्यादा है, सीट्स बहुत ज्यादा चौड़ी हैं आपकी, नॉर्मल 2 टायर एंड 3 टायर के कंपैरिजन में, एंड ब्लैंकेट क्वालिटी आई फील की काफी अच्छी है, और काफी स्पेशियस है, चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हुए हैं, एंड प्राइवेसी का भी आपका पूरा ध्यान रखा गया है। सो ओवरऑल इट्स रियली गुड। सो हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास, हमने पहले कभी नहीं किया है, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, और हमें एक कन्फ्यूजन हो गया था। सो गाइज हमें इसमें नॉर्मली जैसे आपको 2 टायर एंड 3 टायर में मिलता है, तो इसमें भी हमें बेडशीट सेट मिला हुआ है, और हमें दो मिले क्योंकि हमारी दो सीट्स हैं ऑब्वियसली, तो एक हैंड दो, और एक इस पर टावल भी है, सो हैंड टावल जस्ट इन केस इफ यू नॉट कैरी देन यू विल गेट इट ओवर हियर एज़ वेल। सो अच्छा है, नाइस। तो अब हम
फटाफट अपनी बेडशीट बिछा लेते हैं एंड इस टॉवल को यहाँ हैंग कर देते हैं। कहाँ हैंग करें इसे? वैसे इसके लिए यहाँ पे ये भी देखो, ये देखो तो गाइस देखिए हमारा बेड रेडी हो गया है और जहाँ भी अच्छा और साफ सुथरा चीजें होती हैं वहाँ वानिया पहले बैठ जाती है। माने ब्लैंकेट उड़ा दूँ? लो फिर लो ब्लैंकेट भी उड़ लो। लो ये देखो साफ सुथरी जगह में मैंने यहाँ पे छाया मैडम जी ने। मानू मानू बेबी कैसे होता है? चल इसको नीचे कर लेते हैं ना, थोड़ा चौड़ी हो जाएगी। हटो। ओके कैसे होती है? ऊपर से हटाओ, यहाँ से प्लग होगा। अच्छा वो देखो उधर साइड से ये लगी हुई है। हाँ यार ओके। हाँ इस पे भी डाल दें क्या? हाँ कहाँ है? ये है बेडशीट। डाल दे डाल दे। सोता है बता दो। नहीं बाबी बेबी सोता कैसे ये बताओ ना, ये तो मम्मा डांटती है जब ऐसे। हाँ। बेबी कैसे सोता है? पीपा बू वानिया वानिया पीपा बू कर लो। पीपा बू ये आई कैन सी यू पीपा बू आई कैन सी यू मानो दूध पिए। हाँ ओके ये इसको चोयो चोयो पापा। हाँ क्या खाओगे आप बताओ? तो आज के डे की पहली मील हमारी है स्नैक्स। एक सेकंड फ्रेंड ओके सो ये है कप खाली है मगर ये अभी चाय की चीजें आई नहीं। सो नॉर्मली अगर आप सेकंड और थर्ड टायर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेपर ग्लासेस और ऐसे मिलते हैं ना, लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग मतलब ठीक दिया हुआ है। इट्स गुड। तो सॉसर एंड कप बोथ यू विल गेट इट। एंड ये है एक आमंड्स का पैक, पता नहीं ये वहाँ मिलता है नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं मिला शायद, कोई नॉर्मल नमकीन मिलती है। और हमें मिली एक सैंडविच भी और केचप देन जूस जो कि हम वानिया को बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। एंड इसमें भी है भाई कुछ समोसा, इट्स अ मिनी समोसा। ये और हमें एक और चीज मिली है जो कि है सोन केक। ये वही मिठाई है जो दिवाली में सबके घर से एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, आई थिंक जब बच जाती होगी तो रेलवे को भेज देते होंगे। ओके तो वानिया दूध पिए? क्या पियोगे? ये वाला नहीं, दूसरा दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है? अब इसको जूस कैसे पिलाएं? आ गई है हमारी चाय और अभी वानिया अपना दूध पी रही है क्योंकि इसकी तीनों बॉटल्स गंदी हैं। अभी हमने धुलवाने के लिए हेल्प के लिए बोला है भैया को कि प्लीज क्लीन करके दे दीजिएगा पैंट्री से। तो बहुत अच्छा स्टाफ है, वेरी कोऑपरेटिव और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो। ये देखो हम जाते हैं सोना और ये चाहती है पता नहीं क्या करना है। देखो मेरे बूट्स पहन के पता नहीं क्या कर रही है, उठाए भी नहीं जा रहे उसको। क्या कर रही हो आप बताओ मुझे? मैं ब्राउन जूस पहने और चल भी नहीं पा रही उन जूतों को पहन के, वो इतने हैवी हो रहे हैं उसको। चल दी आप ये इनको भी पहनोगी क्या? वानिया ये घर थोड़ा है हमारा, ट्रेन है ये। घुसा अंदर बेड, घुसा अंदर बेड और मेरे पता नहीं कहाँ डाल दिया। अब उसको अपने मिल गए बूट्स, अब वो अपने पहनेगी। ले पहन लिए उसने अपने शूज पहन लिए, वेरी गुड।
वनु वेर इज रिद्धि नहीं कहाँ गई वेर इज रिद्धि वेर डिड शी गो सुबह देखिए सूप आ गया है हमारा और ये है टोमेटो सूप इसके साथ ही हमें ब्रेड स्टिक्स मिली है ठीक है नॉर्मली मिलती है और पूरी प्रॉपर कटलरी सेट्स के साथ आए हैं और काली मिर्च और नमक भी है एंड एक और चीज़ ये इन्होंने बटर भी दिया हुआ है इफ यू वांट कैन ऐड बटर तो गाइस अब मानिया सो गई है देखिए और कितनी देर सोया कितनी देर अच्छा है इट्स रियली लेट हुआ है आज हम बहुत दिनों बाद ऐसे एकदम खाली है वरना खाली भी होते हैं तो ऑफिस का लैपटॉप खुले रहेगा या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती है बाकी उससे नहीं पड़ जाते तो फिर मोबाइल चलता है वरना या ना फोन बहुत इंपॉर्टेंट है ना दो तीन घंटे उसमें नहीं बिताए तो फिर दिन पूरा नहीं होता है और तुम्हारा मेरा तो यार ना इंस्टा है ना फेसबुक है कुछ नहीं सिर्फ क्रिकेट चलता है टेस्ट मैच भी चल जाता है टेस्ट मैच वो भी पुराना सदियों पुराना जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक दिन सुबह सुबह मैं उठी तो शैलेश थे ही नहीं मैंने बोला कहाँ गए भाई क्या हो गया कहाँ चले गए मैं दूसरे रूम में आई देखा तो बाहर मतलब क्या कर सकता है आदमी सुबह 4 बजे ज़्यादा से ज़्यादा क्या इमेजिन करते हो उठेगा फ्रेश हो सकता है चलो कि नींद खुल गई चलो फ्रेश होने चले गए या फिर चलो पढ़ाई कर लेगा है ना या फिर और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा मेरे को तो यही याद समझ में आता है बड़े होकर के 2-4 चीज़ें ही कर पाते हैं या फिर फ़ोन में ही लगाऊंगा टेस्ट मैच देख रहा है आदमी अगला पता नहीं कितने साल पुराना वो भी स्टार स्पोर्ट्स में अरे नहीं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी यार वो ओ प्लीज तुम टेस्ट मैच देख रहे थे चुप रहो ठीक है तब तो मुझे भी समझ में आता है शुरू होता ना ऑस्ट्रेलिया में हमारे हिसाब से 5 घंटे आ गए 5 पुराना देख रहे थे तुम हाइलाइट्स था वो मेरे को याद है क्या करें मैंने कहा यार ये क्या बताओ जरा तो गाइस खाना आ गया है और ये है राइस रोटी इसमें मटर पनीर और इसमें भी है कुछ आई डोंट नो क्या है आई थिंक दाल होगी हाँ दाल ठीक है अच्छा है बढ़िया दही भी है बड़ी मदद है खाने की नहीं दही तो नहीं खाऊंगी मैं भी क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और रिस्क नहीं लगे हम गला खराब करने का अचार भी है स्पून कुछ है बढ़िया है ऐसा नहीं कि पानी डाले यार अच्छी है अच्छा नाइस ओके अब बोल दो गुड मॉर्निंग अभी गुड मॉर्निंग हो रही है कर्टन हटाओ तो जब रोशनी तो तब गुड मॉर्निंग है सो गाइज इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस हमें बहुत मज़ा आया फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके और आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी एक्सपीरियंस करें जब भी आपको मौका मिले सो व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं थोड़ा सा लंबा हो गया बट या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग और अभी हम जा रहे हैं भोपाल मैं आपको स्टार्टिंग में अपडेट देना भूल गई थी सो बस वहाँ पर एक फंक्शन है एंड उसकी क्लिप्स हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे थैंक यू बाय बाय